सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स में एक के बाद एक ट्विस्ट अभी भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां अंतिम युद्ध में भयमार का अंत हुआ, तो वहीं बता दे कि अब इस अंतिम युद्ध में भयमार के साथ साथ परीलोक की परियों का भी अंत हुआ है। जी हाँ, मस्ती परी, वायु परी और ज्वाला परी तीनों ने ही अपना बलिदान दिया है ताकि वे वान सर्वकाल से उसकी शक्तियां ले और तिमनासा का अंत कर दे। और इनका ये बलिदान बेकार भी नहीं गया, बल्कि विवान ने तिमनासा का अंत कर दिया। तो वहीं बता दे दोस्तों कि अब शो में आने वाला है मजेदार सा ट्विस्ट, क्योंकि अब हमारे बड़े बालवीर को मिलने वाली हैं उसकी सारी शक्तियां वापस। जी हाँ, दरअसल आप देखेंगे कि बालवीर अभी कहता हुआ नजर आएगा कि वो मस्ती परी, ज्वाला परी और वायु परी के बलिदान को खाली नहीं जाने देगा, वो उन्हें श्रद्धांजलि देगा। और असली श्रद्धांजलि वो उन्हें नकाबपोश के रूप में नहीं बल्कि बालवीर के रूप में देना चाहता है। और आप देखेंगे कि शौर्य अब उसे उसकी शक्तियां, उसे उसका सूट वापस करने वाला है। जी हाँ, हमारा बड़ा बालवीर अब एक काफी समय के बाद अपने बालवीर वाले अंदाज में आने वाला है नजर। आप देखेंगे कि किस तरह से अब नकाबपोश अपने बालवीर वाले अंदाज में आ गया है। हालांकि अभी भी शो में ट्विस्ट देखना बाकी है, क्योंकि नकाबपोश की सच्चाई हम तो जान गए हैं लेकिन अभी कोई और नहीं जानता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए देखना ना भूले सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।